नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं SP125। दोस्तों आप कोई नई बाइक लेना चाहते हैं तो SP125 को बिल्कुल भी मत लेना। दोस्तों SP125 में 2 साल के बाद में बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि इसका ACM जो होता है उसमें बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। और ACM का मतलब है कि ये एक्चुअली बाइक की जान है, F6 बाइक की, तो इसमें कोई भी सेंसर काम करना बंद करता है तो आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी, यानी कि आपके पास सॉल्यूशन सिर्फ ACM चेंज करने का ही है। और क्योंकि कंपनी बार बार फीचर्स चेंज कर रही है, पहले बाइक में देखोगे साइड स्टैंड कट ऑफ नहीं था, साइड स्टैंड कट ऑफ दे दिया तो ACM चेंज हो गया, तो पुराने पार्ट्स में मिलने में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। बाइक जो है वो उसकी वजह से बहुत समय तक शोरूम पर पड़ी रहती है, और आप देखोगे तो देखने में छोटी सी डिवाइस लगती है जो आपकी सीट के नीचे लगी होती है और जो सारे फंक्शन कंट्रोल करती है। आप इस पिक्चर में देखोगे तो जो सिल्वर कलर का पार्ट है ये आपका ACM है, और इसमें खराबी होती है। जनरली बाइकों में स्टार्ट नहीं होती तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि उसमें पेट्रोल नहीं है, या उसकी बैटरी वीक हो गई है, या उसका स्पार्क प्लग जो खराब हुआ होगा, या कहीं से कोई वायर कट गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं मिला। सारी कुछ चेक करने के बाद में पता चलता है कि बाइक का ACM खराब है, और बाइक का ACM जो है वो हर जगह मिलता नहीं है क्योंकि मॉडल चेंज हो गए हैं, और इसीलिए उस ACM को आने में बहुत टाइम लगेगा और खर्चा भी ज़्यादा पड़ेगा। तो दोस्तों होंडा की बाइकों में ACM की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही है, और भी कई साथियों से पता चला था उनके साथ भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो होंडा SP125 को आप सोच समझ कर खरीदें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि खरीदना आसान है और उसके बाद में मेंटेनेंस भी हम कराते हैं, मेंटेनेंस भी अच्छी खासी होती है, उसके बावजूद भी आपको इतना बड़ा फटका लगता है कि गाड़ी कोई आपकी लोकल मैकेनिक तो चेक सही नहीं कर सकता, और वो पार्ट ही नहीं मिलेगा तो आप उसमें डलवा भी नहीं सकते, यानी कि वारंटी पीरियड तक तो आप कुछ सपोर्ट मिलेगा लेकिन उसके बाद में नहीं मिलेगा, और बाइक आपकी कितने दिन तक शोरूम पर पड़ी है इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, थैंक यू।